आज का है हमारा बीतों से संबंधित क्षेत्रफल, संबंधित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल संबंधित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब एक बात आप देखिए, इसमें वृत्त में बहुत कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनको जाने बगैर आप वृत्त का कोई भी सवाल नहीं बना सकते। जैसे सबसे पहले ही आता है केंद्र, क्या आता है बाबू? केंद्र, केंद्र। उसके बाद उसमें आती है क्या? त्रिज्या, त्रिज्या आती है। परिधि, उसके बाद आता है उसमें परिधि, क्या आता है? परिधि, परिधि। उसके बाद आता है उसमें क्या? जीवा, जीवा। त्रिज्या के बाद में आता है व्यास, त्रिज्या के बाद व्यास, व्यास आता है। उसके बाद जीवा आता है। उसके बाद इसमें क्या आता है? त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, खंड आता है। इन सब के बारे में आप लोग जानेंगे इस वीडियो में, ओके? आप बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम केंद्र के बारे में जानेंगे, ओके? वृत्त के ठीक बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया? वृत्त के किसी भी गोले के ठीक बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है। आइए, ये वाला तो टॉपिक हो गया, त्रिज्या, ठीक है। केंद्र से उसके परिधि तक जाने वाली जो रेखा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से उसके परिधि तक जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए, ये भी टॉपिक हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? परिधि, परिधि। देखिए, सोचना आपका काम है, टीचर सिर्फ बता सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रैक्टिस करना आपका काम है। परिधि किसे कहते हैं? देखिएगा, परिधि की परिभाषा यहाँ से चलेगी। वृत्त का वह गोलाकार पथ, वृत्त का वह गोलाकार पथ, वृत्त का वह गोलाकार पथ केंद्र से जिसकी दूरियां हमेशा बराबर होती है, क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। हमेशा ही क्या होती है? परिधि कहते हैं, परिधि कहते हैं। समझ में आ गया? उसके पहले टॉपिक यहाँ छूट रहा है, व्यास। तो ये तो हमारा क्या हो गया? केंद्र हो गया। ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। अब व्यास किसे कहते हैं? ये यही रेखा जो वृत्त के केंद्र से परिधि के इस छोर तक आई है, अगर यही रेखा अगर इस छोर तक अगर आ जाएगी तो समझिएगा कि इसको हम व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? एक बात याद रखिएगा, जितना व्यास लोग होता है लामा लामा कुर्ता पहन के झालू बजाता है, बजाता है कि नहीं? मकई में जनवान ओकरा के व्यास कहाई, बुझाए कि ना बुझाए? ठीक है, व्यास हो गया। अब आइए, अब हम क्या पढ़ेंगे? जीवा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीवा, जीवा। देखिएगा, ये जीवा है। क्या है? जीवा, जीवा है, ठीक है। जीवा हम किसको बोलते हैं? इसको। देखिए, ये तो केंद्र हो गया, हो गया ना, और ये क्या हो गई? त्रिज्या, त्रिज्या हो गई, और ये क्या हो गया? व्यास हो गया। देखिए, जीवा और व्यास में क्या अंतर है? व्यास केंद्र से होके गुजरता है, लेकिन जीवा केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। समझ में आया? जैसे ही जीवा केंद्र से आके गुजरेगी उसको हम व्यास बोल देंगे, ठीक है। पुनः ये वाला हम टॉपिक यहाँ पर देखते हैं, त्रिज्या खंड। जैसे मान लीजिए ये हमारा वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, और ये त्रिज्या हो गया। तो वृत्त के दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, जो खंड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू? त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड कहते हैं। अब ये हमारा जो क्षेत्र हुआ, ये त्रिज्या खंड हुआ, इसमें दो को त्रिज्या खंड है, एगो ये छोटा वाला त्रिज्या खंड और एक बड़ा वाला त्रिज्या खंड। समझ में आ गया? वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, टॉपिक आ सकता है। वृत्त में अनंत व्यास उसके क्या हो सकते हैं? गुजर सकते हैं। वृत्त में अनंत जीवाएं क्या हो सकती है? हो सकती है। वृत्त में अनंत त्रिज्या खंड क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं। एक और इसका टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देंगे।
स्पर्श रेखाएं, कौन सी रेखाएं? स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की परिधि को स्पर्श माने होता है छूना, स्पर्श माने छूना। जैसे ये देखिए, ये रेखा जो है यहां से अगर ये गुजरी है तो सिर्फ ऐसे छू के गुजर जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कितने बच्चों को समझ में आ गया बाबू? फाइनल बता सकते हैं आप इसे? देख सकते हैं बाबू, हमारे पास जो टॉपिक है वो वृत्त का चाप क्या दिया गया है? वृत्त का चाप, वृत्त का चाप। यानी देखेंगे ये हम यहाँ पर ये वृत्त की रचना किए किए ये हमारा क्या हुआ? केंद्र हुआ। क्या हुआ बाबू? केंद्र हुआ। ये हमारी क्या हो गई? त्रिज्या। त्रिज्या हो गई। इसको आपने पढ़ लिया है कि नहीं? ये चारों बगल हमारा क्या हो गया? परिधि हो गया। चारों बगल क्या हो गया? परिधि हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये जो आया इसको डबल हम क्या कह देंगे बाबू? व्यास। इसको हम व्यास कह देंगे। ये वाला जो हमारा जो कट गया ये क्या कहलाया? जीवा कहलाया। ठीक है, ध्यान देंगे थोड़ा। इसमें आपको चाप पढ़ना है, फ्रेश चैप्टर यहाँ पर आपको हम समझाएंगे। इतनी चीजें आपने इसमें क्या की है? पढ़ी है। हम इसको यहाँ देखेंगे। ये हमारा केंद्र हो गया। केंद्र और त्रिज्या को मानते हुए हमने एक वृत्त की रचना की। किसकी रचना की? वृत्त की। देखेंगे वृत्त की परिधि है ये चारों तरफ, है ना? इसको हमने ए मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया? इसको हमने क्या मान लिया? अब आप देखिएगा इसमें परिधि जो है कई भागों में बटा हुआ है, कई भागों में। पहला भाग देखेंगे ए बी सी। चाप को हम लोग ऐसे ऊपर में लिख देते हैं, ऐसे बना देते हैं चित्र। ठीक है, चाप है ना ए बी सी। ये हमारा एक हो गया वृत्त का। एक वृत्त का यह क्या है बाबू? एक खंड है, परिधि का एक खंड है कि नहीं है? ये देखिएगा इसका नामकरण हो गया। परिधि का एक खंड इसके ऊपर और दूसरा खंड इसके नीचे है कि नहीं? तो परिधि के खंड को ही हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। चाप कहते हैं। परिधि के खंड को ही हम क्या कह देते हैं? चाप कहते हैं। चाप कह देते हैं। तो ये क्या? ये लघु चाप हो गया, ये दीर्घ चाप हो गया। अगर ये छोटा है तो इसको क्या कर देंगे? लघु चाप। लघु चाप। दीर्घ चाप। और ये बड़ा है तो इसको क्या कर देंगे? दीर्घ चाप। चाप। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ए सी। ए से लेके कहां तक? सीधा सी तक। एसी। इसका नाम हो गया एसी और इसका नाम हो गया क्या? चाप। एबीसी। एबीसी। ओके, कोई दिक्कत इसमें? उतार सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बाबू वृत्त खंड। क्या चीज है? वृत्त खंड। वृत्त खंड यानी क्या? जैसे त्रिज्या का खंड होता है वैसे वृत्त का भी खंड होता है। हम देखेंगे इसी में। ओके, जैसे हमने एक वृत्त बना लिया। अब जब वृत्त जब ये हमारा जब बन गया, अब देखिए वृत्त खंड किसे कहते हैं? एक जीवा। इसमें क्या मिलेगा? एक जीवा और प्लस में एक चाप। प्लस में एक चाप। एक जीवा और एक चाप। जैसे एक जीवा एक खींच दीजिए। एक जीवा खींच दिए कि नहीं? सर, ये जीवा हो गया। अगर यही केंद्र से होकर के जाता तो इसको हम व्यास बोलते, लेकिन ये केंद्र से होके नहीं गया, नीचे से होके गया, ये क्या हो गया? जीवा। ठीक है, और देखिए यहां से ये सब जो बिंदु जो आ रहा है ये एक क्या हो गया बताइए? एक चाप हो गया। ये चाप हो गया कि नहीं हो गया? लघु चाप हो गया। तो ये एक चाप के द्वारा और एक जीवा के द्वारा
जो खंड मिलता है उसे ही हम वृत्त खंड कहते हैं। समझ में आ गया? एक जीवा और एक चाप के द्वारा जो खंड मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? जीवा। वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त खंड। इसमें भी दो हो गया, ये क्या हो गया? लघु वृत्त खंड। और ये क्या हो गया बाबू? दीर्घ वृत्त खंड। समझ में आ गया? आ गया। तो सूत्र के लिए आप अगले वीडियोस पे बने रहिए, ओके, और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें।